हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, सबसे पहले लव यू सो मच कि मैंने आपके साथ जो अपना ज्वेलरी कलेक्शन का वीडियो शेयर किया था, आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। गाइस, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके चेहरे पे पड़े हुए स्पॉट जो होते हैं, चाहे वो ब्लेमिशेस हो, चाहे वो झाइयाँ हो, चाहे वो एक्ने स्पॉट हो, स्कार्स हो, या ब्राउन स्पॉट हो, या फिर आपके मुहासों के दाग हो, किस तरह से आप मेकअप के जरिए टोटली उनको हाइड कर सकते हैं। और बहुत आसान सी ट्रिक है, आप सब कर सकते हैं इसको। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। जिस तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरी और हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, थम्स अप के बटन को प्रेस करके कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, मुझे बताइए, मैं पूरा आपके हर कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो गाइज, आई होप कि बाकी के वीडियोज़ की तरह आप मुझे इस वीडियो में भी अपना पूरा प्यार और सपोर्ट देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि अपने चेहरे पर पड़े दाग धब्बों को हम मेकअप के जरिए किस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो मेरे फेस पे कोई स्पॉट नहीं है गाइस, इसके लिए चलिए पहले हम अपने फेस पे स्पॉट बना लेते हैं। तो ये मेरे पास काजल पेंसिल है और मैं इस तरह से यहाँ पे अपने 2-3 स्पॉट इससे बना लूँगी। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से, जिस तरह आपके अगर चीक्स पे ये स्पॉट हैं, तो इस तरह से मैंने 2-3 ये चीक्स पे अपने स्पॉट बना लिए हैं। मान लीजिए ये आपके चेहरे पे स्पॉट है। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये एक लिपस्टिक लेनी है ऑरेंज कलर की। ये मेरे पास टूटी हुई लिपस्टिक पड़ी थी, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए कंसीलर। और इसी तरह से आप अपने डार्क सर्कल को भी हाइड कर सकती हैं। तो ये लिपस्टिक ऑरेंज कलर का अगर आपके पास कंसीलर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई भी आप ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ले सकती हैं अपने जो स्पॉट है चेहरे के उसको हाइड करने के लिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल आप ये लिपस्टिक लीजिए, अपने हाथ पे फिंगर पे लेना है, और जिस जगह पे आपके स्पॉट है वहाँ पे लेकर आपको इस तरह से ये दबा देना है। ये इस तरह से, ये देखिए जैसे आप मुझे करते देख रहे हैं, सेम बिल्कुल आपको इस तरह से करना है। कंसीलर का हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने स्पॉट को छुपाने के लिए। तो जब भी अगर आप अपने स्पॉट को छुपाना चाहती हैं मेकअप करने से पहले, तो आप इस तरह से लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो, और अगर आपके पास ऑरेंज कलर का कंसीलर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो गाइस, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लिपस्टिक को, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक को अपने स्पॉट पर लगा लिया है। अब मेरे पास है ये कंसीलर, ये मेबलिन का कंसीलर है। आपके पास जो वाला भी कंसीलर हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेबलिन का ही कंसीलर हो। ठीक है, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये मैंने कंसीलर लिया और जहाँ पे मेरे स्पॉट है मैंने उस जगह पे इसको ऐसे लगा दिया। बहुत हल्के हाथों से आपको डैब डैब करते हुए अपने स्पॉट्स के ऊपर ये कंसीलर, ऐसे मान लीजिए जैसे आप रख रहे हो कोई चीज़, ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को रखते हैं, तो उसी तरह से ये कंसीलर आपको अपने स्पॉट के ऊपर इस तरह से लगाना है। गाइस, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे पे स्पॉट हो जाते हैं, मेकअप करते हैं तो मेकअप से वो स्पॉट हाइड नहीं कर पाते। मेकअप करना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम परफेक्ट लुक पा सकते हैं। और गाइस, सभी को मेकअप करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम गर्ल्स को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरह से मैंने, देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कंसीलर से इस तरह से इसको रख दिया है, और ये हमारे आप देख सकती हैं किस तरह से मैंने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई है, जो वो टोटली बिल्कुल हाइड हो रही है इस कंसीलर से। तो अगर आपके चेहरे पे स्पॉट हैं तो आप अपने पास कंसीलर ज़रूर रखिए, क्योंकि कंसीलर का काम होता है हमारे चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को हाइड करने का। टोटली आप इसको हाइड कर सकती हैं अपने चेहरे के दाग धब्बों को, चाहे ब्लेमिशेस हैं, चाहे झाइयाँ हैं, या फिर डार्क सर्कल हैं, आपके एक्ने स्पॉट हैं, ब्लेमिशेस हैं, ब्राउन स्पॉट है, जो भी स्पॉट हैं सारे आपके टोटली इससे हाइड हो जाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से कंसीलर लगा लिया है। अब हमें कुछ देर वेट करना होगा ताकि कंसीलर हमारे फेस पर अच्छी तरह से सेट हो जाए।
गाइज ये कंसीलर हमारे फेस पे सेट हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था और अब मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। और इससे हमें क्या करना है, सिर्फ रखना है, जिस तरह से हमने कंसीलर रखा है उसी तरह से ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी हमें उस जगह पर इस कॉम्पैक्ट से सेट करना है, ठीक है। अगर आप रगड़ के लगाएंगी तो जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो पूरा निकल जाएगा आपका, तो आपको रगड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको हल्के से इस तरह से लेके बस ये सेट करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको अब कोई भी स्पॉट नहीं नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से करके दिखाती हूँ। देखिए, सिर्फ मैं रख रही हूँ उसको, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि कोई आपने कोई प्रोडक्ट लिया है अपने हाथ में और उसको उठा के उस जगह पे रख दिया है जहाँ पे आपके स्पॉट हैं। आपकी ब्लेमिशेस भी इससे छुपेंगी, आपके डार्क सर्कल भी इससे हाइड होंगे, और यही बिल्कुल सेम आप मेथड अपना सकती हैं अपने डार्क सर्कल के लिए, ठीक है। ऑरेंज कलर के लिपस्टिक को इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए तो आपके टोटली बिल्कुल डार्क सर्कल भी हाइड हो जाएंगे। तो गाइस, इस तरह से मेरे स्पॉट बिल्कुल टोटली हाइड हो गए हैं, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, जबकि मैंने ये बहुत ज़्यादा डार्क और पिगमेंटेड कलर होता है पेंसिल का, उसको मैंने यूज़ किया है अपने फेस पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से सेट होने के लिए छोड़ देना है। लगभग 5 मिनट का आप वेट करिए और जो प्रोडक्ट आपने लगाया है ये टोटली आपके फेस पे अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी ले रही हूँ बीबी क्रीम, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम फाउंडेशन का नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और पसीने से भी उसके बहने का डर रहता है। तो हमेशा आप गर्मियों में बीबी क्रीम का यूज़ कीजिए। और ये क्रीम लेकर मैंने इस तरह से डैब डैब करते हुए अपने चेहरे पे इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। गर्दन को अपने वाइप नहीं करना है आपको, आपको अपने गर्दन पे भी बीबी क्रीम को जरूर अप्लाई करें, जिससे हमारा चेहरे का और गर्दन का जो स्किन टोन है इक्वल लगे। और अब हम डैप डैप करते हुए इस बीबी क्रीम को अपने फेस पे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज, मेरी बीबी क्रीम अच्छी तरह से फेस पे सेट हो चुकी है। अब हमें लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर और अपने फाउंडेशन को हमें सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से अपने बीबी क्रीम को सेट कर रही हूँ इस तरह से, आप देखिए। और बहुत ही हल्का आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, और जिस जगह पे आपने कंसीलर का यूज़ किया है वहाँ पे बहुत हल्के से आपको ब्रश चलाना है, ठीक है। नहीं, अगर आप रगड़ के लगाती हैं तो आपका जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो आपके फेस से निकल जाएगा और आपके स्पॉट फिर से दिखने लगेंगे। तो आपको कंसीलर को सेट करना है, उसके बाद आपको बीबी क्रीम से उसको सेट करना है, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लीजिए और उससे हल्के से डैब डैब करते हुए आप अपने मेकअप को सेट कर लीजिए। ये हमारा बेस तैयार है। तो गाइज, मैंने इस तरह से अपने फेस पे लगे हुए कंसीलर को सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना डार्क मैंने काजल पेंसिल से स्पॉट लगाए थे, सारे बिल्कुल हाइड हो चुके हैं और मेरा चेहरे का जो जो स्किन टोन है बिल्कुल इवन लग रहा है और बिल्कुल स्पॉटलेस दिख रहा है, कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, बिकॉज आई लव मेकअप, और मैं ही क्या, आपको भी मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है आई नो। तो मैं थोड़ा सा करती हूँ अब अपने फेस पे मेकअप, दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक कि किस तरह से ये हमने किया है कंसीलर और अपने फेस के डार्क स्पॉट को, ब्लेमिशेस को इस तरह से छुपा सकते हैं आप। तो ये मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे, जल्दी से आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक अपना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कर लिया है अपना मेकअप और टोटली मैंने अपने चेहरे के स्पॉट को बिल्कुल हाइड कर लिया है, वो भी सिर्फ एक लिपस्टिक के ज़रिए। तो था ना ये बहुत ही आसान सा ट्रिक। इस तरह से अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक को आप यूज़ करके अपने चेहरे के स्पॉट को बिल्कुल हाइड कर सकते हैं टोटली। तो मैंने बहुत अच्छा सा ये ट्रिक दिया है आपको, आई होप कि गाइज आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।
तो गाइस मेकअप करना एक आर्ट है और ये आर्ट हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि हम सबको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मेकअप से ही हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और जब हम अपने आप को शीशे में आईने में खूबसूरत देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उन लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनके चेहरे पर स्पॉट हैं, दाग धब्बे हैं। जब भी वो कहीं जाएँ तो मेरी एक ट्रिक ज़रूर यूज़ करें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाने में और अपने चेहरे पर पड़े हुए दाग धब्बों को हाइड करने में। तो गाइज आई होप कि बाकी की वीडियोस की तरह आपको ये वाला वीडियो भी मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा हो ऐसा कि आपको हेल्प मिली है, कुछ हेल्पफुल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करता है, मुझे मोटिवेट कर देता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा अच्छा लेकर आने की। और मेरे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो नीचे दिए गए जो रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। और गाइस जितने भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, मैंने बाकी के वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकती हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।